केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। कन्नौज भाजपा महिला मोर्चे के जिलाध्यक्ष द्वारा हारे हुए सांसद पर शारीरिक शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद पार्टी में सनसनी फैल गई है। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पिछले 2 साल से पूर्व सांसद द्वारा उनका शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक शोषण किया जा रहा है। महिला नेत्री ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भी दिया है। महिला नेत्री का यह भी कहना है कि उनके परिवार की हत्या कराने के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई है। एसओजी इसकी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पूर्व सांसद के दबाव में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। भाजपा नेत्री का यह भी कहना है कि जब से सुब्रत पाठक लोकसभा चुनाव हारे हैं, वह आपा खो बैठे हैं। जिलाधिकारी से वार्ता के बाद नेहा त्रिपाठी ने मीडिया के सामने आते हुए खुलकर यह संगीन आरोप लगाया। उनका यह भी कहना है कि वह सुब्रत पाठक के लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए कार्य करती आ रही है। देखिए क्या कहा भाजपा नेत्री ने। डीएम साहब को क्या पत्र लिखा है? जी, मैं डीएम साहब के पास अपनी फरियाद लेकर के आई हूँ कि रोज प्रतिदिन मुझे मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे परिवार के खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये षड्यंत्र के सूत्रधार जो है वो आदरणीय हमारे पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी, जिन्होंने हमारे गेस्ट हाउस को लेकर के हमें ये कहा कि हम भू माफिया हैं। मैं आप सब लोगों को ये बात को अवगत करा देती हूँ कि हमारी जितनी भी जमीनें हैं 35-40 बीघे से ज्यादा जमीन नहीं, और जिसमें हम मेरे खुद के नाम पे सिर्फ 3 बीघे जमीन है, और 3 बीघे जमीन वाली महिला कैसे भू माफिया हो सकती है? और 35-40 बीघे की जमीन में हम मेरे ससुर साहब, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर देवरानी 6 लोग आते हैं। इतनी सी जमीन में कैसे लोग भू माफिया हो जाते हैं? जो ये बड़ा उससे कह रहे हैं कि चपुन्ना के भू माफिया, और रही बात मेरे गेस्ट हाउस की, राधा रानी गेस्ट हाउस की, तो आज इन्हें ये पर लग रहा है कि वो हमने सरकारी भूमि में बनाया है, अवैध जमीन पे कब्जा किया है। तब क्यों नहीं लग रहा था जब 5 साल से उसी में दावतें खा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें कर रहे थे, हमारा पैसा खर्च करवा रहे थे, रोज मीटिंगें हो रही थी, तब क्यों नहीं ये आपको लगा था? आप पूर्व सांसद के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता? मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी में ही काम करती हूँ शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक मेरा जीवन मुझे अलाउ करेगा, जब तक ये कन्नौज के नेता मुझे सहज भारतीय जनता पार्टी में रहने देंगे, तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य हूँ। पार्टी में आपने इसकी उच्च पद पे लोगों से शिकायत की है क्या? मैंने ये इस विषय के बारे में यहाँ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक को सबको सारी बातें पता है, और आज से नहीं पता है, ये पिछले 2 सालों से पता है। मेरे पिताजी, मेरे ससुर साहब, मेरे हस्बैंड, मेरे हम सब लोगों के लिए हत्या तक का मतलब षड्यंत्र रचा जा चुका है, और विगत के चुनाव के निर्णय के बाद ही रचा गया। पिछली 3 जब 2-4 जून को रिजल्ट आया है, पिछली 3 जून को ये हमारे गांव गए थे, हमारे गांव जाकर के इन्होंने, हमारे राइवल्स हैं जो, उनके घर जाकर के इन्होंने 2 घंटे की बैठक रखी जिसमें षड्यंत्र रचा गया, और उसके बाद ही उसी दिन इनके एक प्रमुख कार्यकर्ता कहिए, चमचे कहिए, कुछ भी कहिए, वो जीतू त्रिपाठी, उन्होंने मेरे ससुर साहब को फोन किया, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग आप सबको भेजूंगी और चाहूंगी कि मीडिया में आप चलाएं। उन्होंने मेरे ससुर साहब को धमकी दी कि अगर चुनाव चपुन्ना चुनाव नहीं जीता तो आपको 4 तारीख के बाद देख लिया जाएगा। उसके बाद से ये सारा षड्यंत्र रचा गया। क्या चुनाव हरवाने में आपका भी इसलिए जाता है? मैं भारतीय जनता पार्टी के से वो आरोप लगा रहे हैं क्या? वो कुछ भी कहे, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई नेहा त्रिपाठी ने 20 लाख रुपए ले लिए थे सपा से, वो तो उनका मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं। पर मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और सभी लोग सोशल मीडिया जानते हैं, चलाते हैं, सभी लोग मेरी आईडी में देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से काम किया है। मैं सुब्रत पाठक के लिए काम नहीं करती, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हूँ। आपने प्रशासन और पुलिस से शिकायत की? जी, मैंने पिछली 25 तारीख को प्रशासन पुलिस से शिकायत की थी
जिसमें सीओजी की टीम गठित है और अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया। क्या मानती है? संभवतः हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अब दिन बीतते जा रहे हैं तो मेरा भी सब्र का पैमाना टूटता जा रहा है और मुझे मेरे परिवार को बहुत ज्यादा खतरा है इन लोगों से जो हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि सुब्रत पाठक जी ने हमारे जो राइवल्स हैं सभी आजीवन कारावास के मुजरिम हैं। सभी आजीवन कारावास के मुजरिम हैं। मैंने इसमें लिख के भी दिया है, संदीप तिवारी, प्रदीप तिवारी, मनोज अग्निहोत्री, ये बलात्कारी केस के और आजीवन कारावास गैंगस्टर, इन पे सब तरीके की धाराएं लग चुकी हैं ऐसे लोगों के साथ में, और जिसको इन्होंने हम लोगों की सुपारी दी है अखिलेश यादव उर्फ छक्की, वो इनके हाँ यहाँ ठटिया का ही निवासी है, गांव झहुआ, वो इन लोगों के साथ में सुब्रत पाठक के साथ में भी जेल में रहा है और इन लोगों के साथ में भी जेल में रहा है और अभी फरार है, और इन लोगों की मोटरसाइकिल भी उनके पास है, अभी तक वो भी बरामद नहीं हुई। ये लोग सिर्फ मेरा मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक शोषण करते आ रहे हैं दो साल से, मैं तीन साल से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, अब ये चीजें नहीं होंगी। आज आपके जिलाधिकारी से बातचीत की, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस पे निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स भी हैं, हमारे पास सबूत भी हैं और बहुत सारी चीजों के सबूत हैं। समय आने पे मैं वो सब आपके सामने रखूंगी। जिले में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जिला पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ब्लॉक प्रमुख में भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आप सब लोगों के सामने रखूंगी। अगर आपकी सुनवाई आज नहीं होती तो आगे क्या कदम उठाएंगे? मैं आप लोगों का सहारा लूंगी और आप लोगों का सहयोग, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ हमेशा रहेगा और मैं इस पे अपनी अंतिम सांस तक अब फ्रंट के पैमाने में आकर खड़ा हूं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।